नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन किसमें कितना है दम। और आज बात करेंगे इंदौर एक विधानसभा सीट की, जो मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक है। और यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और संजय शुक्ला भारत कांग्रेस पार्टी के यहां से विधायक हैं जो मैदान में है। तो कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प जंग इस बार इंदौर एक में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैवी वेट नेता कैलाश विजयवर्गीय को यहां से मैदान में उतारा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में इस वक्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य का प्रभार इनके पास में था और ऐसे में इनको मैदान में यहां पर उतारा है। इंदौर एक की जंग बहुत दिलचस्प इसके चलते हो चली है। संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय के बीच यहां पर मुकाबला होगा। आज किस में कितना है दम में बात इसी इंदौर एक विधानसभा की। तो इंदौर की जंग में मध्य प्रदेश की इंदौर एक विधानसभा सीट कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी के हाथ में रही है, लेकिन जनता को यहां कहीं ना कहीं सभी ने निराश किया है। इस सीट पर मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, तो वहीं बीजेपी इस बार इस सीट को वापस हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है और जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है उससे इस बात की गंभीरता हम समझ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इंदौर एक विधानसभा सीट में जो दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं, चूंकि कांग्रेस की तरफ से ऐलान नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि अपने विधायक को फिर से मैदान में उतारेंगे, तो इन दोनों प्रत्याशियों में किसमें कितना दम है, किसमें क्या क्या कमजोरियां हैं और किसमें कितनी ताकत है, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक बार इस इंदौर एक विधानसभा सीट के सियासी समीकरण और चुनावी गणित को समझते हैं। इंदौर एक विधानसभा सीट में नए और पुराने शहर का मिक्स कल्चर दिखता है। इस विधानसभा में लगभग सभी वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय का दबदबा यहां ज्यादा है। इंदौर में ब्राह्मण समुदाय के करीब 2 लाख मतदाता हैं, जो इंदौर एक में भी प्रभाव रखते हैं। इसके बाद जैन समुदाय के 90,000 और सिंधी समुदाय के करीब 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनका प्रभाव इंदौर एक में भी पड़ता है। बात मतदाताओं की करें तो इंदौर एक में कुल मतदाताओं की संख्या 3,48,000 है, जिनमें 1,78,819 पुरुष मतदाता और 1,69,107 महिला मतदाता हैं। इस सीट का इतिहास भी दिलचस्प रहा है। 2018 में इस सीट पर कांग्रेस के संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को हराया था। इंदौर एक का सियासी मिजाज देखें तो 1967 से 2018 तक यहां 12 चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 4 चुनाव जीते। इसके साथ ही अवैध कॉलोनियां और ट्रैफिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है। वहीं बड़े शासकीय अस्पताल और कॉलेज आज भी इस क्षेत्र की डिमांड है। तो इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से शहरी विधानसभा है, जहां पर यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की भी संख्या अच्छी है, बनिया वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर अच्छी है। इंदौर की जंग को जीतने के लिए दोनों प्रत्याशियों की अगर हम तुलना करें तो अलग अलग पैमानों पर, जैसा हम हमेशा इस बुलेटिन में करते हैं, उम्र के लिहाज से देखें तो संजय शुक्ला 54 साल के हैं, कैलाश विजयवर्गीय 67 साल के हैं, हैवीवेट नेता है, एक लंबा अनुभव सियासी उनके सामने है। संजय शुक्ला वर्तमान में विधायक हैं। शिक्षा के आधार पर बात करें, संजय शुक्ला 12वीं पास हैं और कैलाश विजयवर्गीय स्नातक की पढ़ाई उन्होंने की है और मूल रूप से व्यापारी रहे हैं, लेकिन बहुत कम उम्र से ही लगातार चूंकि छात्र जीवन से ही सियासत से जुड़े रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है। राजनीतिक अनुभव की बात करें, संजय शुक्ला 2018 में पहली बार यहां से विधायक बने, कांग्रेस संगठन में अलग अलग जिम्मेदार पदों पर वो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक लंबा अनुभव सियासत के इनके पास हुए, कई बार विधायक के रूप में अब काम कर चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, चुनाव प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके हैं, राज्यों के चुनाव प्रभारी के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में इन्होंने काम किया है और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में इस वक्त एक महत्वपूर्ण भूमिका संगठन में भी राष्ट्रीय स्तर पर कैलाश विजयवर्गीय निभा रहे हैं और ऐसे में इनको मैदान में यहां से उतारा गया है और इस वजह से इंदौर एक की ये सीट बड़ी दिलचस्प हो चली है।
पहले बात कैलाश विजयवर्गीय की करते हैं, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय को भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए यहां से मैदान में उतार दिया है। पहले उनकी बात मजबूत पक्ष की करते हैं, तो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के मजबूत पक्षों की बात करें तो लंबा राजनीतिक अनुभव उनके साथ में है जो उनका इस पक्ष को सबसे मजबूत बनाता है। चुनाव लड़ने के अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, चुनाव लड़ने के भी और चुनाव लड़ाने के भी। देश में बीजेपी के बड़े नेताओं में गिनती होती है कैलाश विजयवर्गीय की। पश्चिम बंगाल जैसा जब राज्य में चुनाव हो रहा था, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय पर उस चुनाव को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इससे आप कैलाश विजयवर्गीय के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय के कुछ कमजोर पक्ष भी हैं, या यूं कहें कि कुछ ऐसे पक्ष जिस पर चुनौतियां उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सीट पर रहेगी। तो कमजोर पक्ष की अगर बात करें तो पिछले एक दशक से ज्यादा क्षेत्रीय राजनीति से लगातार वो दूर हैं, लगातार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने काम किया है। ये एक कमजोर कड़ी निकल के सामने आती है कि जो ये दरमियान था, क्या अपनी स्थानीय जनता से जो उनका जुड़ाव है वो कम तो नहीं हुआ है। ये एक कमजोर पक्ष है जिस पर कैलाश विजयवर्गीय को जाहिर तौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इधर बीजेपी ने, जैसा हम बता रहे हैं कि चौंकाते हुए हैवीवेट कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, चुनाव को लेकर क्या है उनके प्लान, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने, सुनिए। विधानसभा एक से जब से उतारा है तब से राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। एक देश का बड़ा नाम जो कि केंद्र की राजनीति करता है फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आया। देखिए, पार्टी का जो आदेश होता है उसका हम पालन करते हैं। अब पार्टी वालों ने हमारे लिए कुछ सोचा होगा और इसलिए जब उन्होंने कुछ सोचा है तो उनके आदेश का पालन। भाई साहब, विधानसभा एक की अगर बात कर लें तो यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक हैं और आपके सामने संभवतः नाम उनका कांग्रेस अपनी लिस्ट में लेके ही आएगी, संजय शुक्ला, कितनी उनको चुनौती मान रहे हैं? देखिए, मैं कभी किसी की लाइन छोटे नहीं करता हूँ, अपनी लाइन बड़ी करता हूँ। इसलिए वो अपना काम करे और 5 साल का काम गिनाए और मैं आगे 5 साल में क्या करूंगा ये जनता को बताऊंगा। अब जनता किस पे विश्वास करती है आप देखेंगे। आपने भी काफी रोड मैप तैयार कर लिया है, क्या बड़े मुद्दे मानते हैं आप विधानसभा एक के, क्या लगता है आपको कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हो सकती है, क्या है? देखिए, शहर हमारा प्रगतिशील शहर है, प्रगति हो रही है। जैसे जैसे प्रगति हो रही है वैसे वैसे नई नई समस्या भी खड़ी हो रही है। जैसे ट्रैफिक यहाँ पर प्रॉब्लम वाला होता जा रहा है, गाड़ियाँ की संख्या बढ़ गई है, पोल्यूशन यहाँ पर बहुत है, इस इलाके के अंदर कॉलेज ही नहीं है। क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था और चुनाव को लेकर तमाम सारे बयान जो हैं रोजाना उनके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो आप उनके राजनीतिक करियर की हत्या करना चाहते हैं, ये शब्द तक भी उन्होंने उपयोग में लाए हैं। मैं क्या ऐसी बचकाना बातों का जवाब नहीं देता। हमारे साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र को लेकर उनकी काफी सारी प्राथमिकताएं हैं और हर चुनाव को वो एक काफी बड़ी चुनौती मानते हैं। तो हर चुनाव को वो चुनौती के रूप में देखते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही उनका एक बयान बड़ा जबरदस्त सुर्खियों में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि हम तो वरिष्ठ नेता हो चुके हैं और अब हमारा ये प्लान था कि हम 8 जगहों पर जाएंगे, वहां पर चुनावी सभा करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अब पार्टी ने ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अब जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी तो दी है और चुनाव उनको लड़ना होगा, जनता के बीच जाना होगा, राष्ट्रीय फलक पर लगातार वो सक्रिय थे और ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय स्तर पर भी उनको काम करना होगा और वो लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इन सब के बीच में बात संजय शुक्ला की करते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और माना जा रहा है कि उनको ही पार्टी एक बार फिर से यहां से मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। और ऐसी स्थिति में संजय शुक्ला के मजबूत पक्ष क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं कि जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहते हैं, लगातार अपने बयानों की वजह से भी, अपने कामों की वजह से भी सक्रिय रहते हैं, स्वच्छ छवि है, कोई दाग इनके ऊपर लगा नहीं है, क्षेत्र में आम जनता तक सीधी पहुंच है, ये इनके मजबूत पक्ष हैं जिसकी वजह से पार्टी एक बार फिर से इनको मैदान में यहां पर उतारेगी और जिसके जरिए ही जनता के बीच में जाएंगे। तो दूसरी तरफ संजय शुक्ला के कमजोर पक्षों की भी अगर बात कर लें तो संजय शुक्ला जो कि इस सीट से पहली बार के विधायक हैं, उनके कमजोर पक्ष की बात करें, पिछला महापौर चुनाव बड़े अंतर से हार गए थे, तो ये एक चुनौतीपूर्ण बात हो सकती है, चूंकि विधानसभा के चुनाव के साथ साथ महापौर के जब चुनाव होते हैं तो शहरी मतदाता सीधे सीधे उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं और इंदौर एक
शहरी विधानसभा क्षेत्रों से भरपूर हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो चुनौतियां थी उसको किस तरह संजय शुक्ला निपटेंगे या उसको लेकर किस तरह का बैकअप उन्होंने तैयार किया है, ये चुनौतीपूर्ण रहेगा। बहरहाल कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला पर कांग्रेस फिर से दाव लगाने की तैयारी कर चुकी है। इस बार किस रणनीति के साथ में वो मैदान में उतर रहे हैं, जो चुनौतियां उनके सामने हैं उसको किस तरह से वो पार पाएंगे, और सबसे खास बात यह कि उनके सामने एक हैवी वेट चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है, ऐसी स्थिति में उनकी क्या रणनीति है, उनसे भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। हमारे साथ में विधानसभा एक के कांग्रेस से विधायक संजय शुक्ला हैं, इनका लगातार जनसंपर्क जारी है। संजय भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लगातार 5 साल सक्रिय रहे हैं, लगातार जनता के बीच में रहे हैं, आप चुनाव आ गए हैं और बीजेपी ने जो आपके सामने उम्मीदवार उतारा है, क्या कहेंगे इसको लेकर और इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो लगातार 5 साल से, जब से मुझे विधायक बनाया मेरी माता बहनों ने, मेरे परिवार के भाइयों ने, भतीजों ने, सबने मिलके, उससे लगातार भले वो विकास की बात हो या कोरोना की बात हो या धर्म की बात हो या यात्रा की बात हो या स्कूल की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो, हर चीज़ में मैं खड़ा उतर के दिखाया हूँ। और अब मेरे सामने जो सामने वाले कैंडिडेट आए हैं, मैं उनसे डरने वाला नहीं, क्योंकि भले वो राष्ट्र के नेता होंगे परंतु कैलाश से कैलाश जी मनाने वाले यही जनता है, जनता भगवान है। इतना बड़ा नाम उतारने का कारण क्या है विधानसभा एक से? इसका कारण एक सबसे बड़ा है कि विधानसभा एक के अंदर 5 साल में मैंने वो काम कर दिखाया जो 20 साल में इनकी प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री, 20 साल से लगातार महापौर, 20 साल से इनके यहाँ संसद, 20 साल से इनके यहाँ विधायक और 20 साल से इनके पार्षद, सब कुछ होने के बाद विधानसभा एक भी विकास नहीं हुआ था। कैलाश विजयवर्य की सुर्ख नगा से तुलना कर रहे हैं, आयोजन के दे तो उन्हें उस समय उनके नाक मत काटना, लेकिन बीजेपी को वोट देकर उन्हें हराना और उनकी नाक काटना, इस प्रकार का बयान कैलाश विजयवर्य द्वारा आ रहा है। अब देखिए, इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद, राष्ट्रीय महामंत्री होने के बाद, मंत्री होने के बाद, विधायक होने के बाद, प्रदेश के प्रभारी होने के बाद, एक राष्ट्रीय नेता ऐसे शब्द बोलता है तो ये शोभा नहीं देता। तो संजय शुक्ला हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और एक बार फिर से इनको मैदान में कांग्रेस पार्टी उतारेगी, और इसी वजह से इन्होंने जनसंपर्क भी अभी से करना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों का ऐलान हालांकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन इनको भरोसा है कि पिछले 5 साल के दौरान, विधायक रहने के दौरान, जो काम इन्होंने जनता के बीच में किए हैं, उस काम के भरोसे पर जनता एक बार फिर से इन पर मोहर लगाएगी। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर यह तय है कि संजय शुक्ला पहले से ही मैदान में थे, लेकिन यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर तौर पर इस चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया है, और राष्ट्रीय स्तर पर इस एक सीट की चर्चा इस वक्त हो रही है। दोनों प्रत्याशियों को आपने सुना, और अब इंदौर एक की जनता की राय भी सुनते हैं। बड़ा दिलचस्प होगी यहां की जनता के लिए ये चुनना भी कि कौन बेहतर है और किस में कितना दम है, लिहाजा हमने जनता से भी जाकर उनकी राय समझने की कोशिश की दोनों प्रत्याशियों को लेकर। इंदौर एक की जनता क्या कहती है, सुनिए। देखा जाए तो संजय शुक्ला जी ही ज़्यादा उम्मीद रखते हैं जीतने की। कैलाश विजयवर्गीय तो अभी यहाँ दर्शन ही नहीं दिए हैं। अब जनता का तो मत उधर जा रहा है, मंत्री जी की तरफ, लेकिन हमारी नज़र में तो संजय भाई हीरो हैं। कैलाश जी का क्या काम शुरू, इंदौर महापौर रहे हैं, उन्होंने काम कराया, विकास कराया, तो उसको देखते हुए क्या है, लोग वोट कैलाश जी को ही देंगे। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है दोनों को लेकर, अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर। इंदौर एक की जनता बहुत जागरूक रही भी है, इसलिए किसी एक को पर ही लगातार मोहर यहां पर नहीं लगती रही है, अपने प्रत्याशियों को देख समझ कर परख कर यहां पर जनता चुनती है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश इंदौर की जंग में हमने किस में कितना है दम में जानने की कोशिश की कि इंदौर एक से जो दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं, इसमें आखिर किस में कितना है दम, किसके क्या कमजोर पक्ष हैं, किसकी क्या मजबूत कड़ियां हैं। अब ये जनता को यहां पर तय करना है कि वो किसको कितना दमदार यहां पर मानती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक बार फिर आपसे किससे मुलाकात होगी इस खास बुलेटिन में और किसी एक और विधानसभा सीट के ऐसे ही तमाम रोचक आंकड़ों के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां किस में कितना है दम। नमस्कार।